क्या हुआ बेटी? माँ, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। दिन के ख्वाब झूठे होते हैं बेटी, जाओ पानी लेकर आओ। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगी? मेरे पास प्याला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हाथों से पी लेता हूं। अरे मेरी आंखों को छोड़ो, ये लड़की कौन है? ये मेरी महबूबा खटालू चाहे। और स्टेनगन के बच्चे, आलूचे की नहीं, मैं उस नाशपाती की बात कर रहा हूँ, उस नाशपाती की जो पीछे है। चलो चले चलो। ये इस गांव में रहकर पता नहीं कौन है। ये लंगर दिन की भांजी है। भैया क्या लाए हो? सब्जी लाया। तुमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। जरूर कोई बात होगी। बहन आपसे क्या फर्दा, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। भैया मेरे पास जो कुछ भी था वो तुम ले जा चुके हो, अब क्या लेने आए हो दोबारा? मेरी अच्छी बहन, बस मुझे एक दफा पैसे दे दो, फिर कभी नहीं मांगूंगा। सुनो पैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन देखो किसी को बताना नहीं। हाँ, अंदर कमरे में तुम्हारी भांजी का गल्ला पड़ा हुआ है, जाकर ले लो और अब यहाँ से चुपके से चले जाओ। मेरी अच्छी बहन तुम कितनी अच्छी हो। कौन है आप? मैं हूँ, मेरा नाम, आप लोगों को मेरा सलाम, और मैं हूँ इस डाक बंगले के मेहमानों का गुलाम। ओ आई सी, आइए आइए, अंदर जाइए अंदर जाइए जाइए जाइए। केव दिल बेटे। जी मामा। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें नसीहत की तो जरूरत नहीं, मगर एक बात याद रखो बेटे, तुम्हारी ये लापरवाही अच्छी नहीं, ये हमारे लिए बर्बादी का बायस भी बन सकती है। आखिर हुआ क्या मामा? अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो बेटे, एक होटल बाकी रह गया है, अगर तुम इसी तरह लापरवाही करते रहे तो यह होटल भी बिक जाएगा, सारी दुनिया ताने देगी। ओ मामा तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं अपना फर्ज अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ होटल में कुछ मेहमान आए हैं, उनका ख्याल करो। हाँ अच्छा जाओ। शहजादी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे घर से होके आ रही हूँ, किसी की याद से दिल बहला रही हूँ। क्या मतलब? किसी ने बहुत चुपके से मेरे दिल में घर बसा लिया।
ये तू कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है? आज ही तो मेरी जबान ने बात करने का ढंग सीखा, कुछ मुझे भी तो पता चले। तुम जानकर क्या करोगी? जालिम प्यास बुझाने आया था, मन में एक नई प्यास की आग लगाकर चला गया। कौन था वो? मेरी वीरान दुनिया में बहार का पहला फूल था, प्यार की खुशबू का वो झोंका था जो आया और गुजर गया, लेकिन धड़कनों में हलचल मचा गया। क्या मैं उसे नहीं जानती? क्या पता, वैसे कल वो तुम्हारे आशिक ठेकेदार के पास ही खड़ा था। उसके पास? उसके पास तो शेर दिल खड़ा था। जो कोई भी था, मेरा दिल था। होश करो होश, ऐसा आवारा लड़का तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या मतलब? बाप की सारी जायदाद बर्बाद कर चुका है, अब एक डाक बंगला रह गया, वहां भी जब देखो हिप्पियों के साथ बैठा चर्स पीता है। चर्स पीता है? कहती है ये रात भीगी भीगी, मस्ती में झूमो दीवानों। कहती है ये रात भीगी भीगी, मस्ती में झूमो दीवानों। क्या होगा कल ये न सोचो, हर गम धुएं में उड़ा दो। कहती है ये रात भीगी भीगी, मस्ती में झूमो दीवानों। सपनों का धोखा न खाना, सपनों का धोखा न खाना। मोहब्बत पे हम हैं पुजारी, मोहब्बत है अपना तराना, मोहब्बत है अपना तराना। एक दूजे से प्यार करो तुरंतो, प्यार से ना इनकार करो तुरंतो। एक दूजे से प्यार करो, प्यार से ना इनकार करो। मस्ती में झूमो दीवानों, हर गम धुएं में उड़ा दो। कहते हैं ये रात भीगी भीगी, भीगी भीगी, मस्ती में झूमो दीवानों, दीवानों। समझो नहीं गैर कोई, जो देखो तो सब है पराए, देखो तो सब है पराए। रहे मजबूर रहे तुरंत, क्यों खुशियों से दूर रहे मजबूर रहे। मस्ती में झूमो दीवानों, हर गम धुए में उड़ा दो। कहते हैं ये रात भीगी भीगी, भीगी भीगी, मस्ती में झूमो दीवानों, दीवानों। लकीरें नहीं ये धुबे की, ये अरमान है दिल जलों के, अरमान है दिल जलों के। हमें मतलब बीत जाए
जान रहे तोरो तोरो तो पापा पा, जान रहे मुस्कान रहे तोरो तोरो तो पापा पा, जब तक तुमने जान रहे मुस्कान रहे मस्ती में झूमो दीवानो जाने कौन था अचानक झाड़ियों से निकलकर मुझे उठाने आ गया लेकिन तुम इस तूफानी रात में बाहर क्यों निकले दवा लेने के लिए आए थे आखिर तुम्हारा मामा किस मरज की दवा है ऐसे काम वो कमबख्त खुद क्यों नहीं करता उस लालची ने क्या करना है कल दवा लेने के लिए गया तो सारे पैसे जुए में हार कर आ गया और माँ दवा के लिए तरसती रही अच्छा तो चलो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी बारिश थम जाए तो चली जाना ये बारिश थमने वाली नहीं तो फिर मुझे जाने दो ये लो दवा और ये जगह तुम्हें याद रहेगी ना तुम्हारी ये नाकामियां तुम्हें भूखा मार देंगी तोर दिल जब तक गांव में हसीन लड़कियां जिंदा हैं तोर दिल कभी भूखा नहीं मर सकता समझे अच्छे दोस्त हो इसलिए हम तुम्हारी कद्र करते हैं वरना माल से पहले मांस कौन देता है और फिर हमें यहां आए हुए कई दिन हो गए मगर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया सेठ घबराते क्यों हो मैंने दिलबर खान को राजी किया हुआ है फिलहाल तुम उसकी बेटी ले जाओ बाकी फिर देखा जाएगा क्यों ठीक है ना न जाने वो क्यों नहीं आया तुम तो ऐसे इंतजार कर रही हो जैसे उसने यहाँ आने का वादा हुआ था वादा ना सही जगह तो याद रखने को कहा था मैं कहती हूँ खाम खा वक्त जाया ना करो मैंने ढूंढा जिसे बा...
अच्छी तरह जानती हो इस इलाके में मेरे सामने कोई भी सर नहीं उठा सकता। सब लोग मुझे गुंडा टैक्स देते हैं और ये टैक्स तुम्हें भी देना पड़ेगा। छोड़ के कमीने। चलो। ये गुंडा टैक्स मैं तुम्हें दूंगा और इतना कि फिर नहीं मांगूंगा। मारो, इसके लिए इतना ही काफी है। अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ चले। आओ ना, खड़े क्यों हो गए? तुम जाओ, मैं चलता हूं। आओ ना। कौन है बेटी, किससे बातें कर रही है? मां, तोर दिन आज फिर मेरा रास्ता रोका था और इसने मेरी इज्जत बचाई थी। अस्सलाम वालेकुम मां। वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुमने हमारी इज्जत बचाई, खुदा तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। जाओ बेटी, चाय लेकर आओ। बैठो बेटा, बैठो बैठो। किसके बेटे हो? तो दिल, ये तुम्हारे माथे पे खून कैसा? ये तुम अपनी भांजी से जाकर पूछो। क्या मतलब? तुम हुजरे में बैठे हो और तुम्हारी भांजी बाहर गैर मर्दों से मिलती है। तो दिल, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये हकीकत है और अगर ये झूठ हुआ तो आंखें मत निकालो। तो दिल ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। बेटे, तुम्हारा अपना घर है, कभी कभी आ जाया करना। जी बिल्कुल, अब तो मैं जरूर आऊंगा। या अल्लाह है। अच्छा लड़का, बहुत अच्छी हो, तुम्हारी बेटी भी। क्या हुआ? ये अपनी बेटी से पूछो जिसने सबके आगे मेरी आंखें झुका दी है। आंखें झुका दी? आखिर हुआ क्या? ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ। ये खेतों में खैर मत चलती है। ये झूठ बोलता है माँ। आप चुप हो जाओ। इसे समझा दो बहन, बरात के बाद ये घर से बाहर निकली तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा।
एक पांव तो तेरा टूटा हुआ, अल्लाह करके तेरा दूसरा पांव भी टूट जाए। मैं आज बाबा के मजार पर जाके दुआ मांगूंगी, अल्लाह करके तुम मर ही जाए। मुझे इतनी जोर से मां चालाक हो गई शहजादी। क्यों खफा हो गए? खफा तो मैं हूँ, एक तो दो घंटे इंतजार करवाया, ऊपर से मुझको डरा दिया। अगर ना आती तो मैं दरिया में छलांग लगा दूँ। ऐसा ना कहो शेरदिल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगे। क्यों सताते हो शेरदिल? देखो मैं तुम्हारे पाँव फटती हूँ। देखो माने ना दिल भर मेरा, मामा को सब कुछ बता दिया और तुम्हारे जाने के बाद मामा ने मुझे बहुत मारा।
शायद आज के बाद हम फिर कभी ना मिल सके। ये क्या कहती हो? सच कहती हूँ। उसकी एक टांग तो टूटी हुई है, क्यों दूसरी टांग तोड़वाना चाहती हो? शेरदिल, इससे पहले के मेरी शादी किसी और के साथ हो जाए, तुम अपने मामा को हमारे घर भेज दो। शहजादी, तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हो? तोरजन खान, वो जमाल खान आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जमाल खान? अच्छा तुम जाओ। तोरजन, कौन जमाल खान? वही जमाल खान जो पिछले साल हमसे दिलबर खान की बेटी 5,000 रुपए में खरीद कर ले गया था। आहिस्ता बोलो तू दिल, आहिस्ता यार, क्या करते हो? तुम ठीक है, चलो वहां चले, शायद किसी नए शिकार की बात हो जाए। अरे भाई आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा फर्क है, चलो। ठीक है, ठीक है। यार रंगू, लोग बड़े बड़े काम कर लेते और तुम मेरा छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। ओ यार, मैं तुम्हारे मामू को कैसे समझाऊं कि शेरदिल शादी करना चाहता है? ओहो, तुम हिम्मत तो करो, मैं सब कुछ तुम्हें समझा देता हूँ। कैसे? ऐसे, सबसे पहले जाकर उनको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। उनके सामने चाय रखो। चाय रख दी। उनको मिठाई खिलाओ। मिठाई भी खिला दी। उनको मक्खन लगाओ। मक्खन भी लगा लिया। तड़का लगाओ। तड़का भी लगा लिया। ऐसा तड़का लगा लिया कि शू में लाजवाब कर दिया। अब तुम कहोगे मैं चाहता हूँ शेरदिल बेचारे की शादी हो जाए। हाँ, शादी हो जाए, उधर का माल इधर हो जाए, इधर का माल उधर हो जाए। जमाल खान। ओ आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जमाल खान। हाँ मामा, कैसे हो? ठीक हो? ठीक। बैठो बैठो शेरदिल। हाँ जमाल खान, काफी दिनों बाद नजर आए हो। बस काम ज्यादा था। तुम सुनाओ शेरदिल, कोई नया हीरा है? हीरा तो है, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। कीमत बताओ। सेठ के पास दौलत बहुत है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10,000। बस इसी बात, 10,000 पूरे 10,000 हैं। क्यों मामा, रुपए देखकर तुम्हारे मुंह में क्यों पानी आ गया? काश ये तमाम पैसे मेरे हो जाएं। मामा, अगर तुम चाहो तो ये रकम तुम्हारी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी भी एक भांजी है। तोरदिल, अच्छी तरह सोच लो मामा, काफी ज्यादा पैसा है। तुम ठीक कहते हो तोरदिल, लेकिन क्या मेरी बहन मान जाएगी? उसका इलाज भी है अगर करना चाहो तो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो फिर जाओ, उसे जहर का एक घूंट पिला दो, बहन भी रास्ते से हट जाएगी और फिर तुम्हारी जेब भी भर जाएगी। आज क्या मिल गया है तो तुम्हारे स्कूटर को ब्रेक ही नहीं लगती? जो मिला है बता दिया तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या मिला है? कान इधर करोगी तो फिर बताऊंगा। ना पापा, तुम बड़े चालाक। अच्छा नहीं तो ना सी। अच्छा अच्छा बताओ। पैसे मिले हैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा खरीद कर लाऊंगा। चल झूठा, तुम्हारी कसम। शेरदिल, तैयार हो जाओ, बस अब थोड़े दिन ही बाकी रह गए। खुदा हाफिज़। ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज।
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जो कहना चाहते हो साफ साफ कह दो। मैं समझता था कि आप मेरे आने का मतलब समझ गए होंगे। दरअसल मैं इस शहजादी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। शेरदिल के लिए रिश्ता मांगने आया हूँ भाई। लेकिन मैं किसी को जबान दे चुका हूँ। नहीं नहीं ऐसा न कहो। दो दिनों पर जुल्म न करो। शायद आपको मालूम नहीं वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। गुल खान क्यों अपने साथ मुझे भी बदनाम कर रहे हो? रिश्तों के फैसले औलाद नहीं भय किया करते हैं। इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ भाई। और मैंने शेरदिल को शादी का जोड़ा लेने के लिए भी भेज दिया। छोड़ना जिसके मुकद्दर में हुआ पहन लेगी। मैं तो बड़े मान से आया था भाई। बड़े अरमान थे मेरे। आपने इनकार करके अच्छा नहीं किया। मेरा मान तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? खैर खुदा को यही मंजूर था शायद। मामा ये क्या लेने आए आप? मैं जिस भांजे की मुंह बोली कीमत वसूल करना चाहता हूँ। ये रिश्ते की सूरत में उसे मुफ्त मांगने आया था। अच्छा हुआ खाली हाथ चला गया। ये क्या है? जहर भी कह सकते हो और दवा भी। क्या हालत है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। फिक्र ना करो बहन, मैं तुम्हारे लिए ऐसी दवा लाया हूं जिसके पीने से तुम्हारी सब बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। बस रहने दो, मैं नहीं पीऊंगी दवा। इन दवाओं में कोई असर नहीं। मैं नहीं पीऊंगी भैया। ये किसी ऐसे वैसे हकीम की दवा नहीं, उस हकीम की दवा है जिसकी दुकान पर जाकर हर मर्ज दम तोड़ देता है। लो पियो। अल्लाह तुम्हारा भला करे। भैया दूसरी खुराक कब पीऊंगी? दूसरी खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पियो पियो। सोई है, मत जगाओ। दवा भी लानी है मामा? अब दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। क्या मतलब? मैंने इसे वो दवा पिला दी जिसने तुम्हारी माँ के सारे दुख दूर कर दिए। नहीं, नहीं। माँ माँ मा, मा। मरने वालों पर मातम करना गुनाह है शहजादी। सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम हो। तुम मेरी माँ को जहर देकर मारा है। तुम मेरी माँ के कातिल हो। तुम मेरी माँ के कातिल हो। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी। हाँ
वाह मामा, तुम तो कमाल हो। घर की ये रौनक तुम ऐसे ही लिए जा रहे हो? क्या मतलब? मंडी ले जाकर सौदा बेचता तो ज्यादा पैसे मिलते। मंडी की बात छोड़ो मामा, वहां तो एक सौदे में कई हिस्सेदार होते हैं। हमने तुम्हें माकूल रकम दी है, जब खत्म हो जाए तो गांव के किसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़कर हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी कमी पूरी कर देंगे। सेठ कहाँ है? सेठ बाहर माल लेकर गए। बाहर किस जगह? बैरूद में आज कर रहे होंगे। कौन? अरमान। हाँ जी, मैं अरमान ही बोल रहा हूँ। अरमान, क्या हुआ? एक खूबसूरत हीरा आता है जी। हीरा? बस चोरी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, जब तक तुम मेरा इंतजार करो। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। तुम मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलते हो, ये अच्छी बात नहीं। हर काम दौलत से हो जाता है, यहाँ तक कि दौलत से इंसान के सारे ऐब छुप जाते हैं। पैसा ही वो ताकत है जिससे तुम्हारी जैसी कई लड़कियां खरीदी जा सकती हैं। पैसा जिसकी खातिर इंसान अपनी इज्जत और अपना जमीन तक बेच देता है। जमाल आ गए। दौलत बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, मालूम होता है तुम अपने मकसद में कामयाब लौटे। हाँ सेठ, गुलाब की एक ऐसी नौखेज करी लाया हूँ जो अभी तक खिली नहीं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नजर आते हो, मेरे नजदीक मत आना, मैं किसी की अमानत हूँ। कहाँ जा रही हो? इधर आकर मेरे सीने पर जाओ। दुल्हन, भागने की कोशिश न करना, सारे दरवाजे बंद हैं। सेठ जो कहता है वही करना होगा। जाओ जाओ जाओ। जमाल बेगैरत, एक दिन मुझे भी तुम ऐसे लाए थे और मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। यही तो मेरा कारोबार है। लानत है तुम्हारे इस कारोबार पर जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो
ये तुमने क्या किया? दुल्हन भाग गई, उसका पीछा करो, जाओ पकड़ कर लाओ, जाओ। हमने तो लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन एक आदमी है और हमसे छीन कर ले। तो हाथ आया शिकार तुम्हारे हाथों से निकल गया। मैं कहता हूं ऐसा होने से पहले तुम सबको मौत क्यों नहीं आ गई? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। दुल्हन चाहता हूं, वो जहां भी हो उसे हर कीमत पर आज रात के सेट पर होना चाहिए। जाओ। शहजादी, मैं और कुछ नहीं पूछता तुमसे, मुझे उन लोगों का बताओ जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं। और तुम्हें कुछ पता नहीं तो फिर शादी का ये सुर्ख जोड़ा तुम्हें किसने पहनाया? शादी का जोड़ा? मैं कुछ नहीं जानती।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बेवफाई करोगे। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा, मगर तुम फरिश्ता नहीं, चुड़ैल हो मक्कार। शेरदिल, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और सिर तुम्हारे लिए देता हूँ। तो फिर आज तुमने ये दुल्हन का जोड़ा किसके लिए पहना? शेरदिल, ये लड़की कौन है? इसे तुम कहां से उठा के लाए और क्यों मार रहे? ये वही शहजादी है मामा, जिसकी मैंने तुमसे बहुत सी तारीफें की थी। इससे ये पूछो, इसने ये दुल्हन का जोड़ा किसके लिए पहना है? ये लड़की शेरदिल ठीक कहता है बेटी, तुम इसके बाप से जवाब दो। मामा, ये जोड़ा मुझे जबरदस्ती पहनाया गया है। आप लोगों को क्या बताऊंगी मेरे साथ क्या बीती। मेरे साथ तुम्हारी दास्तान तो बहुत दर्द भरी है, खुदा का शुक्र है तुम्हारी इज्जत तो बच गई। तो अब मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो लोग मेरी इज्जत खेलना चाहते थे। चुप हो जाओ बेटी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और दूरदिल कैसे आना हुआ? मामा, कुछ पैसे मांगने आया। और अगर ये पैसे मैं तुझे ना दूं तो फिर ये बात गांव के हर आदमी की जुबान पर होगी कि लंगड़े ने बहन को मारकर भांजी को बेच दिया। नहीं 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 दुर्दिल, नहीं, तुम उससे पैसे ले लो भाई, लेकिन देखो ये बात अपनी जुबान पर ना लाना, क्योंकि इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत का नाम ना लो बगैर। तो तुम किस इज्जत की बात करते हो? उस इज्जत की जिसे तुमने कागज के चंद टुकड़ों के लिए बेच दिया। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? उन मजलूमों की आवाज जिन पर तुमने जुल्म किया है। काश तुमने ये भी सोच लिया होता कि जिनका इस दुनिया कोई ना हो उनका खुदा होता है। मैं तुम पर गोली जाया नहीं करूंगा बुट्ठे, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। गुलबानो बेटी, जरा बात सुनो। तुम तो जानती हो न शहजादी की मां है और न शेरदिल की। अब ये काम तुम पूरा करोगी। ये शादी का जोड़ा ले लो, अपनी सहेली को पहना दो, उसे दुल्हन बना दो और सब शेरदिल का इंतजार है। बाकी शादी का तमाम इंतजाम मैंने कर दिया। आंखें खोलो, ऐसी रात तो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। क्यों डर गई? डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। शेरदिल, बिजली की इस कड़क ने मेरे दिल में पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। पगली,
पुरानी यादों को भूल जाओ। शेरदिल, क्या ये हकीकत है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? अब यकीन आया शेरदिल। ओ कौन है? बेटे मैं हूँ मामू, जरा बाहर तो आना। ओ मामा, तुम वक्त वक्त भी नहीं देखते, हर वक्त ठुक ठुक लगाए रखते। क्या बात है मामा? बेटे रेस्ट हाउस में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करना है। मामा मुझे तो कोई आवारा लोग ही लगते हैं जो इस तूफानी रात में यहाँ रेस्ट हाउस में आए। बाहर भी तूफान है और अंदर भी तूफान, और फिर आपको तो मामा पता है कि हमारा सारा प्रोग्राम हो कबाब में हड्डी। बेटे तुम्हें तो मालूम है, एक तो मैं लंगड़ा हूँ, दूसरा रात के वक्त मुझे कम दिखाई देता है, वरना मैं खुद चला जाता, वरना ऐसे मौके पर मैं तुम्हें तकलीफ न देता। बेटे तुम्हें तो मालूम है कि मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है, जाओ वो कहीं नाराज ना हो जाए। शाबाश मेरे अच्छे बेटे। है खाना मिल जाएगा? हाँ बाबू, जरा देर लगेगी अभी। ए विस्की भी लेते आना, लेकिन हो स्कॉच। विस्की तो नहीं मिल सकती, तो फिर चर्सी लेते आना। क्या लगता है तुम्हारा? मेरा भांजा है बाबूजी, बचपन में इसके माँ बाप मर गए थे, मैंने इसे पाला है, मुझे अपना बाप समझता है, बड़ा बखुरदार है। आज उसकी शादी हुई है हा? और आज ही काम कर रहा है बेचारा। आज ही शादी हुई है? बाबूजी मैं चलता, दुल्हन अकेली होगी, अगर कोई काम हो तो मुझे क्वार्टर से बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन अकेली है, दुल्हन अकेली है, दुल्हन अकेली है। शेरदिल तेरा बाजार तक गया हुआ है, तुम जाकर आराम करो। अच्छा जाओ। बाबू तुम लोग यहां? क्या बात है? यही रुक जाओ, खबरदार जाके कदम बढ़ाया। तुम लोग चाहते क्या? दुल्हन अपनी खाली जबान से उस मासूम का नाम मत लो। तो इन पुरानी हड्डियों में अभी इतनी ताकत बाकी है कि अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सोना। बाबा क्या हुआ? बेटे तुम आ गए, मेरी रूह अटकी हुई थी। बदमाश तुम्हारी तुरंत तुरंत को। मामा शहजादी, शहजादी, शहजादी। चलो सिग्नल ऑफ कर दो। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। गाड़ी चलाने वाला गोली मार दूंगा। चलाता हूं।
बात का बहुत अफसोस कि तुम जैसे ईमानदार अफसरों की मौजूदगी में भी चंद लोग लड़कियों को अगवा करके उनका कारोबार करते हैं और तुम उनका कोई पता नहीं चला सके। इसमें सिर्फ पुलिस की नहीं मुल्क और कौम की बदनामी है। सर हमें इतना मालूम हुआ है कि मुजरिमों का ग्रोह लड़कों को खरीद कर दूसरे मुल्कों में बेचता है। अजीब बात है, इतना बड़ा कारोबार चल रहा है और तुमसे एक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो सका। आप फिक्र ना करें सर, मैंने उस इलाके के कोने कोने में अपने आदमी खड़े कर दिए हैं। इंशाल्लाह मुजरिम बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। Thank you.
डार्लिंग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। डोंट फॉरगेट। यस। आजा, मेरी प्यारी, तेरी प्यास बुझा दूँ। जाना आ भी जाना आ, ओहो आ जा भाई, आ जा आ जा आ। ये भी उतार दो। तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ? तुम यहाँ कहते हो? अगर तुम जैसा बेगैरत आदमी साथ में आसमान पर भी होता तो मुझसे नहीं बच सकता। बताओ मेरी दुल्हन कहाँ है? मुझे मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है? और तुम्हें कुछ पता नहीं हमारा कारोबार भी है और रोजगार भी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मेरा खामन अभी जिंदा है। शोहर? उस शोहर की बात करती हो जो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। मुझे अपने शोहर पर यकीन है कि वो एक दिन जरूर आएगा और तुम लोगों से इस जुल्म का इंतजाम नहीं करेगा। तुम्हारा शोहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मर चुका है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। हेलो, हाँ क्या हुआ है? कौन मारा गया? क्या बकवास कर रहे हो? नाजो, ये कौन है? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी मौत बनकर। यूं डर गए? डरो नहीं। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मुझे जल्दी बताओ मेरी दुल्हन कहां है?
तुम्हारी दुल्हन? हाँ, मेरी दुल्हन। तुम अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। ओह बेगैरत, बताओ मेरी दुल्हन कहां है? मुझे मुझे कुछ नहीं पता। और तुम्हें कुछ नहीं पता? मैं पूछूंगा नहीं, सिर्फ 3 तक गिनूंगा। जवाब न दिया तो तुम्हारे जिस्म से ये खोपड़ी उड़ा दूंगा। 1, 2, 3। इतना पूछो और क्यों लाया हूँ ये तुम जरा खुद ही बता दो। नहीं नहीं, जाने। घबराओ नहीं बेटी, इस चार दीवारी के अंदर हमारी इजाजत के बगैर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं नहीं, मैं यहाँ रही हूँ। बेवकूफ ना बनो लड़की, हमने तुम्हें पनाह दी है, मगर ये सोच लो यहाँ से निकलकर हर दरवाजा तुम्हारे लिए रात को खुलेगा और दिन को बंद हो जाएगा। जवानी के खैरात कहाँ कहाँ बांटती फिरोगी? खुदा के लिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे जाने दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब तुमने जाने का नाम लिया तो याद रखो,
मैं जान से मार दूंगा। लड़की जिद्दी मालूम होती है। कोई बात नहीं, हर पंछी नए पिंजरे में फड़फड़ाया ही करता है। तुम बात करो भाई जी। जैसे कहो कर लेते। हाँ, कमाएगी ये और खाएंगे हम। लेकिन 50-50। बस बिल्कुल ठीक है। मत करो लड़की, किसी की यारत को ना छेड़ो पर मजबूर ना करो बेयारत। खामोश, चीखो मत लड़की, लोग यहाँ गीत सुनने आते हैं। भागने की कोशिश, यहाँ पांव पातेब से नहीं घुंघरुओं से बांध दिया। नहीं, मैं घुंघरू नहीं बांधूंगी, मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। कहाँ से कहाँ
छुड़ाना नामुमकिन है लड़की, भूल जाओ कि तुम भागने में कामयाब हो सकती हो। उठाओ इसे। रुक जाओ, तुम कौन? इस जमानत का पहरेदार। कटी पतंग और घर से बेघर लड़की, किसी की अमानत नहीं होती। जा जा, उचक्का। हमने आज तक किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। मैंने भी आज तक किसी का रोब बर्दाश्त नहीं किया। करो खुदा के लिए, मुझे और न मारो। तुम लड़की को ले जाओ, लेकिन मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अरे कब्बर, पैसों की बात थी तो पहले क्यों नहीं बता? खैर, घबराओ नहीं, हमारा तुम्हारा कारोबार एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंटरनेशनल है और तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हारा पॉकेट कभी खाली नहीं होने देंगे। इससे शादी का जोड़ा पहना दो, ये दुल्हन के रूप में हमारे साथ जाएगी। हाय हाय, ये मजबूरी, ये गर्मी और ये दूरी। शुक्र है स्टेशन से बाहर तो आए हो, और अब अंदर हो जाएंगे। देखो प्लीज प्लीज और प्लीज। रिश्ते तो बाहर ही खड़े हैं, अब क्या बनेगा? जल्दी करो, कहा चुके जाए तो जाए, कहां समझेगा कौन यहाँ हमारी जुबा। यार बात सुनो, सूखी पाउडर का जमाना है और जब तक हम अपने आप को अंग्रेज न बनाने, हम कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा करते हैं कि तवक्कल करते हैं। जी मर्दो, आखिर तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? अकेले न जाना, यहाँ छोड़ कर न मुझको जाना, अकेले न जाना। कौन हो तुम? हम इस थिएटर के ठेकेदार हैं। कोई खिदमत है? आपके जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। नाजो, मुझे उन लोगों का पता बता दो ताकि मैं उनसे इंतकाम ले सकूं। वो सब लोग बाहर गए हैं, उनमें से सिर्फ एक आदमी यहाँ पर है। कहाँ है वो? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वो लोग बहुत जालिम हैं, वो आपको मार डालेंगे। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आप बीवी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, क्या वो इतनी खूबसूरत है? बात खूबसूरती की नहीं, बात तो इज्जत की है, और जिसकी इज्जत नहीं उसको मर जाना चाहिए। तो फिर जाओ, वो इस वक्त पारस होटल में होगा। तुम भी चलो। नहीं, मैं उस वक्त तक यहाँ रहूंगी जब तक तुम्हारी बीवी का पता न चल जाए।
ठीक है। नाजो, किससे बातें कर रही थी? किसी से भी तो नहीं। जलील औरत, तुम इस पावे नहीं कि तुम पे भरोसा किया जाए। मैं तुम्हें जिंदा में डाल दूंगा। चलो मेरे साथ। बंद कर दो, मफरूर इलाका घेरना, भाग जाए। ओके सर। Hayvan!
मेरे मौला, जिंदगी और मौत वाकई तेरे हाथ में है। जियो डीएसपी साहब। हमारे साथ धोखा किया है, जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? मौत। अभी तुमने सिर्फ मौत का नाम ही सुना है, मौत को अपनी आंखों से नहीं देखा है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। चुप हो जाओ। हुआ परिंदा कैसे काबू किया जाए बरखान? इस दुल्हन के पीछे हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं सेठ। इसकी खातिर तो मैं भी मरने को तैयार हूं। ये वही है जो उस रात यहां से भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब यहां से नहीं जा सकती। मैं इसे एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। जाओ और जश्न का इंतजाम करो, और जश्न में ये नाचे। Thank you.
प्यार कहते हैं तू हनी शाम, आजा आजा कर ले प्यार कहते हैं तू हनी शाम। पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल गया। देखो बस लड़की, अब तुम जा रहो सिर्फ मेरे लिए। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारा अरमान कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मौत अब तुझे मेरे सामने ले आई है, मरने के लिए तैयार हो जा। नाजो, ये तुमने क्या किया? तुम मेरी फिक्र ना करो, अपनी शहजादी और उन मजलूम लड़कियों को बचाओ जिन्हें सेठ समंदर के रास्ते मुल्क से बाहर ले जा रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ो? जाओ जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। इश्तियारी मुजरिम, तुम्हें किसने मारा? तोड़ दिल। तू दिल को किसने मारा? शेर दिल। शेर दिल कहाँ है? शेर दिल समंदर की तरफ बेबस लड़कियों की इज्जत बचाने गया है। समंदर की तरफ? शेर दिल कातिल जरूर है मगर सजा के काबिल नहीं। मुल्क को ऐसे चापासों की जरूरत है जो अपनी चाह तेली पर रख कर कौम की बहु बेटियों की इज्जत बचाते। आ,
दोनों लड़कियों को ट्रक में डाल। जल्दी करो, जल्दी करो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, अरे बचाओ, बचाओ। तुम यहां भी पहुंच गए। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मुझसे तुम लोग बच जाओगे? तो फिर फैसला हो जाए। दुल्हन गई और तुम उसकी गर्द पे नहीं पा सकते, तो फिर तुम भी उसके पीछे जाओ।
अगर जिंदगी चाहते हो तो इस लाश का पीछा करो। तुम हो मेरे आदमियों के खातिर। हाँ। और अब तुम्हारी बारी। कुछ ज्यादा ही गैरतमंद मालूम होते। चुप करो बदतमीज। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा कारोबार क्या है। अगर अपनी जिंदगी चाहते वापस चले जाओ। वापस तो मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना और उन लड़कियों का इंतकाम न ले लूं जिन्हें तुमने उनके माँ बाप से हमेशा के लिए जुदा करके दूसरे मुल्कों में भेज दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या सजा दूं और कौन सी मौत मारूं कि मेरा दिल ठंडा हो जाए। Thank you.
मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। तुम्हारे कानून की हथकड़ी मेरे हाथों में अमानत है। इस हथकड़ी से मैंने उन बेगैरतों के सर उड़ाए हैं जो कौम की बहू बेटियों को बेचते थे। अब तुम्हारा कानून मुझे जो सजा दे उसे तुम पूरा कर लो। मिसल खान, हथकड़ी खोल दो। लाश को अपने कब्जे में ले लो। शेरदिल, तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है मुल्क और कौम तुम पर फख्र करेगी। यह हाथ हथकड़ी के लिए नहीं बल्कि नाम के काबिल है और इस गद्दार के लिए हुकूमत ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है। जिसके हकदार तुम हो वो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम्हारे सारे केसों का मैं जिम्मेदार हूं। आसिफ अली, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, शुक्रिया तो अदा हो जाएगा। जाओ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। अच्छा। शेरदी, शहजादी।